हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं छेना के रसगुल्ला का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बहुत ही आसानी से आपको घर पे भी खाएंगे, आप ऐसे अपने भी किचन में बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। छेना के रसगुल्ला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1.5 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। यहाँ पे 600 ग्राम हमने शक्कर लिया है, 4 नींबू का रस यूज करेंगे और कुछ इलायची हम उसमें डालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले छेना तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गैस पे एक बड़ा सा बॉल लेना है और उसमें दूध को गर्म करने के लिए रखना है। तो सभी दूध को हम बॉल में डाल लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। दूध को चलाते हुए हम इसे उबालेंगे। दूध को चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे। जब तक दूध का स्टीम निकल रहा है तब तक हम नींबू का रस तैयार कर लेते हैं। नींबू को हम लेंगे और नींबू को ऐसे बीच से हम काटेंगे। कभी भी आप नींबू को ऐसे मत काटिए, नहीं तो उसका रस नहीं निकलता है अच्छे से। तो हम नींबू को ऐसे बीच से काट लेंगे। दो टुकड़े में हमने नींबू को काट लिया। अब हम एक बॉल में ऐसे इसके रस को निचोड़ लेंगे। रस निचोड़ने के लिए कई तरह के मशीन भी आ रहे हैं, पर आप हाथ से निचोड़िए, अच्छे से रस निकल जाता है, आपका हाथ भी क्लीन हो जाएगा। ऐसे हम सभी नींबुओं के रस को निचोड़ लेंगे। हमने नींबू का रस निचोड़ लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 ग्लास पानी और नींबू के रस को छान लेंगे। इससे क्या होगा, इसका सीड्स और इसका गुद्दा निकल जाएगा। तो हमने रस को छान लिया। तो चलिए हम दूध की तरफ चलते हैं। दूध को हमने हल्का सा ठंडा होने दिया है। अब हम इसमें ऐसे आधा करछुल नींबू वाला पानी डालेंगे और ऐसे दूध को चलाते हुए फाड़ेंगे। फिर हम इसमें से थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे और इसे चला के दूध फाड़ेंगे। इतने नींबू के रस में अपना दूध फट जाता है। अगर नहीं फटता है तो एक आध नींबू और यूज कर सकते हैं हम। नींबू के जगह पे टाटरी भी लिया जाता है, लेकिन हमारे पास फ्रेश नींबू अवेलेबल था तो हमने नींबू का रस निकाल लिया। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। टाटरी को आप थोड़ा सा पानी में गर्म कर लीजिए और फिर दूध में डाल के छेना बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे रस डाल रहे हैं और चला रहे हैं। आपको मैं दिखा रही हूं, अपना दूध छेने में बदलना शुरू होने लगा है। अब हम इसमें सभी रस को डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से दूध से अपना छेना तैयार हो जाए। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे अपनी छेना जो है दूध से तैयार हो गई है, एकदम अलग अलग। अब हम इस छेने को एक कपड़ा में छानेंगे। अब हम एक खाली बॉल लेंगे और उसपे एक मलमल क्लॉथ डाल देंगे। कोई भी आपके पास कॉटन क्लॉथ हो, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसे ऐसे बॉल पे रख दीजिए। उसपे अब हम ये छेना जो है उसे डालेंगे। तो ऐसे हम सभी छेने को डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी अलग, छेना अलग तैयार हुआ है। अब हम इस कपड़े को ऐसे रोल बनाते हुए और छेना से अलग कर लेंगे। अब हम इस पानी को अलग कर लेंगे और इसी बॉल को सामने लेंगे। इस पे हम ये जालीदार बर्तन रखेंगे और अपने छेना को ऐसे खोल देंगे। अब हम इस पे ठंडा पानी से
छेना धोएंगे, इससे क्या होता है, जितना हमने नींबू का रस डाला था वो बाहर हो जाएगा और अपना एकदम फ्रेश छेना तैयार होगा। तो छेना को अच्छे से धोना भी बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं हमने इतना ही छेना को एक बोल पानी से धोया है, छेना भी ठंडा हो गया और इसकी खटास भी निकल गई। अब फिर से हम इसे ले लेंगे और ऐसे रोल बना लेंगे, यानी कि गठरी बना लेंगे। हाथ की मुट्ठियों से ऐसे दबाते हुए हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। आप चाहें तो ऐसे रोल करते हुए और इसका पानी निकालिए। हमें जल्दी छेना बनाना है तो हम अभी निचोड़ रहे हैं। अगर आपको एक आध घंटा बाद बनाना है तो इसे कहीं टांग दीजिए, इसका एक्स्ट्रा पानी जरूरत के अनुसार निकल जाता है। तो हमें दोनों हाथों से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अब ड्रॉप ड्रॉप पानी आना हुआ है। हम इतने में बंद कर लेंगे। अब एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा दे रही हूँ, आप देखिए कितना बढ़िया अपना छेना तैयार हुआ है। अब इसे हम मसलने का प्रोसेस में ले चलते हैं। छेना को हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसे हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे, देख सकते हैं इसे क्रम्बल करना जरूरी है। अब हम इसे मसलने का प्रोसेस बता रहे हैं। हाथ की जो ये हथेली होती है इससे हम छेना को ऐसे मसलेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसे मसलेंगे। हम इसे अच्छे से हथेली से ऐसे मसल मसल के और एक बढ़िया सा स्मूथ डो जैसा तैयार करेंगे, तभी अपना रसगुल्ला अच्छे से तैयार होता है। इसे मसलने में हमें 12 से 15 मिनट लग सकते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं हमने 12 मिनट तक छेना को मसल रखा है। छेना एकदम स्मूथ हो गया है, बिना दाना वाला आपको दिख रहा है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे आधा चम्मच मैदा। मैदा से इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, तो रसगुल्ला और भी बढ़िया बनता है। हम ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन वो सॉफ्ट होगा, और थोड़ा सा मैदा डालने से ये स्पंजी ज्यादा होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा चम्मच मैदा डाले हैं, एक्स्ट्रा पानी जो है सब सोख लिया। ऐसा ही डो चाहिए हमें रसगुल्ला बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैदा डालने के बाद हमने 5 मिनट तक और अपने छेना को मसल लिया है, तो डो तैयार है। चलिए हम रसगुल्ला के लिए रस तैयार करते हैं। गैस पे हमने 1.5 लीटर पानी रख लिया है। पानी को हम उबलने देंगे और इसमें हमने जो शक्कर लिया था उसे डाल देंगे। चलाते हुए हम शक्कर को मेल्ट होने देंगे, तो ये 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाल भी आ जाएगा और शक्कर भी मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम अपना रसगुल्ला तैयार कर लेते हैं। इधर अपनी चाशनी तैयार हुई, इधर हम अपना रसगुल्ला तैयार किए हैं। हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इसे छोटा सा लोई लेना है, हथेलियों पे रख के ऐसे गोल गोल तैयार करना है। तो हमने सभी रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। अब हम एक एक रसगुल्ले को धीरे से ऐसे चाशनी में छोड़ देंगे। ध्यान रहे जब हम रसगुल्ला डालेंगे तो बिल्कुल अपनी शक्कर वाली पानी में उबाल आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रसगुल्ला बिखर जाएगा। पानी भरपूर मात्रा में हो तभी आप शक्कर डालें। पानी में बहुत उबाल आनी चाहिए उसी वक्त हम रसगुल्ला डालेंगे। आप देख भी सकते हैं हम रसगुल्ला डाल रहे हैं और वो पानी में चारों तरफ घूम घूम के तैर रहा है, यानी कि बिल्कुल बिखर नहीं रहा है। और हमें इसे तेज फ्लेम पे ही उबालना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम नहीं करना है। हमने सभी रसगुल्ले को चाशनी में डाल रखा है, तो अब हम इस पे कवर लगा के
10 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। ध्यान रहे कवर लगाना बिल्कुल जरूरी होता है क्योंकि पानी में झाग बनना उतना ही जरूरी होता है रसगुल्ला में। तो फिर हम 10 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। चलिए हम रसगुल्ला चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए अपनी रसगुल्ले के ऊपर कैसे झाग बन रही है। ये झाग आपको दिखाना जरूरी है। आप कभी भी रसगुल्ला बनाइए तो इतनी उबाल होनी चाहिए कि रसगुल्ला के ऊपर भी झाग रहे, तभी दोनों साइड से अच्छे से पक पाता है। रसगुल्ला अच्छे से अपना पक चुका है, ये मैं तब दिखाऊंगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे। अब आप देखिए अपनी रसगुल्ला की साइज, हमने जितना बड़ा रसगुल्ला डाला था उसके डबल साइज की अपनी रसगुल्ला हो गई है। इसे हम 5-6 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपको एक बार चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए हम फिर से अपनी रसगुल्ला चेक कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को स्लो करके आपको दिखाते हैं। आप देखिए जब हम पहली बार दिखाए थे उससे भी बड़ा साइज का अपनी रसगुल्ला हो चुका है और चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। इतनी ही चाशनी बची है जितने में अपना रसगुल्ला अच्छे से डूबा डूबा दिखे। तो बस हमें ऐसा ही रसगुल्ला तैयार करना है। मैं फाइनली आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी जब रसगुल्ला ठंडा हो जाएगा। अभी मैं एक पीस गर्म है आपको ऐसे दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी अपनी रसगुल्ला बनकर तैयार हुई है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए हम रसगुल्ला की प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी रसगुल्ला रस में डूबी हुई दिख रही है। खाने में तो ये मजेदार लगेगी ही। तो हम इसे ऐसे धीरे से एक एक रसगुल्ले को निकालेंगे और बॉल में डालेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए बिल्कुल मार्केट जैसा हलवाई जैसा अपना रसगुल्ला तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया घर पे छेना का रसगुल्ला बनाना कितना आसान है। आप जब भी चाहें घर पे छेना का रसगुल्ला तैयार कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए। एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट रसगुल्ला बनकर तैयार है। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।